पाकिस्तान से हार गए, हम श्रीलंका से हार गए, तो हमको तो दर्द है। मैं भी इंडियन हूं, मैं भी भारतीय हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मुझे भी दर्द है, मुझे देश से अपना दर्द है, मेरा देश है, मेरा वतन है, आजादी के समय में मेरा भी खून लगा है, पर मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और ऐसा स्थिति आया तो हम लोग काला झंडा भी दिखाएंगे, हम लोग रोड पर भी उतरेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़े हम लोग लड़ेंगे। विधायक जी, आपका एक बयान जो कि आपके सोशल मीडिया के फेसबुक से डाला गया था, आपके प्रोफाइल से, आपके पेज से, कि इंडियन टीम अगर एशिया कप जो हारा गया तो उसमें आपने टीम सिलेक्शन पर उंगली उठाया है कि मुसलमानों को नहीं लिया गया है, और जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में भी कंट्रोवर्सी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये एक विवादित बयान कांग्रेस विधायक के द्वारा दिया गया। सर, इसका इस पर का खुलासा कीजिए। सिर्फ सोशल मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बात करते हैं? मेरा बयान, सबसे पहली बात है कि मुसलमान में मुसलमान के नाम पर नहीं है। आप मेरा फेसबुक आईडी खोलिए, उसमें आपको नजर आएगा। हमने कहा है कि शमी, सिराज, खलील जैसा खिलाड़ी को बैठाना मुझे आश्चर्य लगा, और मैं सेलेक्टर कमेटी से मैं हैरान हूं। हमने ये पोस्ट किया था, हमने ये कहीं नहीं कहा था कि मुसलमानों को जगह नहीं दिया। हमने कहा था समई, हमने कहा था सिराज, हमने कहा था खलील। अगर वो ये खिलाड़ी मुस्लिम है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं इसको मुसलमान के नाते नहीं जानता हूं, मैं इन लोगों को अच्छे खिलाड़ी के नाते जानता हूं। और आज जो सेलेक्शन टीम जो सेलेक्ट किया है, जो चयनकर्ता ने जो जिन टीम को चुना है, यही टीम एशिया कप हार करके, एक हफ्ता भी नहीं हो रहा है, एशिया टीम हार करके हमारे बीच आ गए हैं। और हम आज क्या कह रहे हैं कि हमारा इंडिया टीम हार गया, पाकिस्तान से हार गए, हम श्रीलंका से हार गए, तो हमको तो दर्द है। मैं भी इंडियन हूं, मैं भी भारतीय हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मुझे भी दर्द है, मुझे देश से अपना दर्द है, मेरा देश है, मेरा वतन है, आजादी के समय में मेरा भी खून लगा है। मेरा का मतलब मेरे भी लोग थे, दादा परदादा, तो हम तो अपना बात करेंगे। रहा सवाल चयनकर्ताओं से, चयनकर्ता जो अभी सेलेक्टर बैठे हुए हैं, इन लोगों पर आरोप नहीं, बल्कि ये सही है कि ये लोग समी, सिराज, खलील जैसा खिलाड़ी को नहीं लेकर के मेरा शक सही में साबित हो गया। सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आगमन कर रहे हैं, ऐसे में सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज में भी आ रहे हैं, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन अभी एक सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि अमित शाह जी आकर के घोषणा करने वाले हैं केंद्र शासित राज्य करने के लिए। मैं इस चीज पर मैं पुरजोर विरोध करता हूं, और ऐसा स्थिति आया तो हम लोग काला झंडा भी दिखाएंगे, हम लोग रोड पर भी उतरेंगे, यहां से लेकर दिल्ली तक हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, लेकिन केंद्र शासित राज्य हम लोग बनने नहीं देंगे। मैं तो वेलकम करता हूं आपको, आप सीमांचल वासी को अलग राज्य का दर्जा दीजिए, मैं वेलकम करता हूं आपको। और अगर आप सीमांचल को अलग राज्य का दर्जा दीजिएगा तो मैं भी आपको माला पहनाने का काम करूंगा, लेकिन आप अगर केंद्र शासित राज्य बनाएंगे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, आप हमारे भी गृह मंत्री हैं। रहा सवाल, आप आ रहे हैं किशनगंज में, तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप किशनगंज में आ रहे हैं तो हमारे जो एएमयू का पैसा लटका हुआ है उसको फंड दिलाने का काम कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि किशनगंज सीमांचल में एक भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि एम्स जैसा हॉस्पिटल का शाखा किशनगंज सीमांचल में खुले, यही मेरा आशा है। मैं तो चाहूंगा कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यहाँ आपके आने पर, आपके आगमन पर हम लोगों का कुछ भला हो, सीमांचल का भला हो। सीमांचल में जो मुद्दा है, नदी कटाव, रोड कटाव, 2017 में जो बाढ़ आया था उसमें बहुत सारे रोड अभी तक कटा हुआ है, बहुत सारे नदी गांव को काट करके लेके चला गया, विलीन हो गया,
बहुत सारे गरीब लोग आज के डेट में भी पतरगट्टी में रोड पर बैठा हुआ है। मैं तो चाहूंगा कि जिसका रोड से कटान हो चुका है, गांव नदी कटान हो चुका है, उसको कुछ मुआवजा मिल जाए, उसको घर मिल जाए। मैं यही आशा करता हूं गृहमंत्री जी कि आप किशनगंज आइए, आप किशनगंज वासी को, सीमांचल वासी को कुछ दे के जाइए। और आप यहां अगर घोषणा करते हैं केंद्र शासित राज्य, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़े हम लोग लड़ेंगे। सर, कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक बात और चल रही है कि क्योंकि यहाँ पे तख्त पलट चुका है, आरजेडी जदयू मिलकर के यहाँ पे सरकार बना चुका है और जो पहले के विधायक जो एमआईएम से राजद में गए हैं उस पे बात चल रही है कि अब पूर्व विधायक की चाहे तो एमआईएम से लड़ेंगे इलेक्शन आने वाले टाइम में या फिर अदर कोई दूसरे पार्टी से, इसमें क्या सच्चाई सर? नहीं, ये आने वाला समय में बात करेंगे। अभी जो मुद्दे पर बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर रहने दीजिए। मैं आप लोगों को, आप लोगों को चैनल को मैं बधाई देता हूं।